आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और उनका भोग केले का प्रसाद लगता है। तो मैं स्कंद माता के लिए केले यानी कि पके केले का बर्फी बनाने जा रही हूँ और साथ में केला भी प्रसाद भोग लगेगा। माता का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। तो इस तरीके का उच्चारण किया जाता है माता का। और आप लोगों को पता होगा केले तो सभी को पता है यानी कि काफ़ी हेल्दी होता है और ज़्यादा पक जाते हैं तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। ज़्यादा ओवर राइप हो जाने के कारण ये उतना टेस्टी नहीं होता, खाने में इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़्यादा पके हुए केले का ही बर्फी बनाऊंगी और अच्छे केले का भी भोग लगाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा पके हुए केले हैं ना, उसका रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होगा। खाने में प्रसाद के रूप में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे खास त्यौहार पर भी बना सकते हैं जिसे खा कर के लोग आपकी काफ़ी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को साथ में ज़रूर शेयर करें। मैं सारिका द सेकंड वाइफ लजीज खाना से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय माता दी। ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बनाई हूँ ये बर्फी, काफ़ी अच्छा बना है। केला अगर ताज़ा है तो खाने में अच्छा लगता है, सभी लोग खाते हैं, लेकिन अगर वही केला अगर ज़्यादा पक जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कोई खाना भी पसंद नहीं करता। ऐसे में गर्मी के समय में केला जल्दी ही ज़्यादा गल जाता है और इसका स्वाद भी बेस्वाद की तरह लगने लगता है। आप लोग इसे फेंके ना और उसको इस्तेमाल कर लें, इस तरीके से आप रेसिपी बना करके। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। ये 6 केला है, इसको मैं धो करके साफ़ कर ली हूँ, छिलका निकाल ली हूँ और चाकू से इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, पीस बना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ये काफ़ी गल चुका है इसलिए बहुत ही जल्द कट जाता है और इसको मैश करने में भी आसानी होती है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं चॉप कर ली हूँ इसको बारीक काट करके। और इसे फोक के सहारे यानी कि अगर आप किसी भी चम्मच से के सहारे भी इसको मैश कर सकते हैं, चाहे तो आप मिक्सी में भी डाल करके पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में डालें तो इसमें पानी का बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला जाता है। तो इस तरीके से मैं फोक से ही कर रही हूँ, मुझे मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि इसे बिल्कुल स्मूथ इस तरीके से मैं मैश करते हुए बिल्कुल बारीक कर लूँगी। इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप लोग भी इसे अगर आप करेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, आप करके देखेंगे बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो इस सभी को मैं इस तरीके से मैं मैश कर लूँगी। देखते जाइए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। और इससे बनने वाली हर रेसिपी बहुत ही हेल्दी होता है। मैं तो बना रही हूँ और आगे भी आप लोगों को बताऊँगी बहुत सारे रेसिपी ज़्यादा पके हुए केले का। तो आप लोग उस तरीके से ज़रूर देख करके बनाएंगे। ऐसे पहले आप लोग बना करके देखिए। और ये तो माता को भोग लगाया जाता है, माता का भोग पांचवें दिन केले का भोग लगता है। तो मैं केले से बर्फी बना रही हूँ और अच्छे केले का भोग भी लगाऊंगी। तो आप लोग देखते जाइए, बिल्कुल मैश हो गया, देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया, एकदम बिल्कुल आसानी से हो गया, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और तो चलिए अब आगे दिखा रही हूँ मैं आपको। ये दूध है, आधा लीटर में दूध ली हूँ जिसका एक कटोरी यानी कि आधा उसमें से निकाल ली हूँ और एक कटोरी ये छोटा सा कटोरी में ये गुड़ है, इसको कद्दूकस कर ली हूँ और कद्दूकस करके इसको मिला रही हूँ। इसमें दूध में घोल लूँगी क्योंकि मैं गुड़ से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं, चीनी से भी बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन मुझे गुड़ से ही बनाना है। तो मैं गुड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला ली हूँ, देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा कुछ गुड़ में था तो मैं छन्नी से छान लेती हूँ इसको। अगर आपके पास भी गुड़ में कुछ हो, इस तरीके से घोलने पर पता चल जाता है, निकल जाता है जो भी इसमें कुछ गंदगी होती है, तो उसको आप लोग भी छान करके ही बनाएं।
क्योंकि बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनाना होता है प्रसाद। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसमें थोड़ा सा था डस्ट के तरह टुकड़ा टुकड़ा, और ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है। इसको भी साइड कर लेते हैं। अब चलिए, एक नॉन स्टिक पैन है, इसमें ढेर सारा घी डाली हूँ और ये 8-10 के ऐसे बादाम है। अगर आप ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाहें, काजू या पिस्ता, सब मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं केवल बादाम से ही कर डाल रही हूँ। बादाम को फ्राई कर लूँगी बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसको निकाल लूँगी, और निकाल करके इसे ना कद्दूकस करूँगी ना कट करूँगी, केवल इसको खल में कूट दूँगी, क्योंकि कूट देने के बाद में ये थोड़ा दरदरा रहेगा और टुकड़ा टुकड़ा भी रहेगा, तो उसका इस्तेमाल करने में आसानी होगी। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए ये फूल गया है थोड़ा थोड़ा, देखिए एक दो चटक भी गया है। तो इस स्टेज पर इसको निकाल लूँगी, और इसी में ये काफ़ी सारा घी डाली हुई हूँ, और एक कटोरी से कम, छोटे कटोरी एक कटोरी और इससे आधा कटोरी मैं सूजी से बना रही हूँ। आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सूजी से बना रही हूँ। आटा का भी बहुत ही हेल्दी होता है, तो सूजी को इसको इसमें फ्राई करूँगी घी में। अगर आप और कोई कुकिंग ऑयल चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं होता है और ना टेस्टी होता है। इसमें केवल शुद्ध घी से ही बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है, तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि घी से ही बनाएं। और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए जब ये कलर छोड़ने लगेगा तब इसमें मैं केले जो मैश करके रखी हुई हूँ उसको मैं डालूँगी। तो ये लगभग हो रहा है, तो चलिए इसमें अब जो मैश किया हुआ केला है उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और डाल करके फिर मिलाऊँगी। तो देखते जाइए आप लोग पूरे वीडियो को। देखिए मैश किया हुआ है ना, इसको इसमें डाल दूँगी। अब चलिए इसको मिलाती हूँ मैं। और इसको डालते वक्त आप गैस को सिम कर दें बिल्कुल, नहीं तो ये तले में पकड़ लेगा। तो इसको भी आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिलाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और इसको मैश कर चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको मिला लेंगे, देखिए। और इसका बना हुआ मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो माता के भोग लगाने के लिए मैं सोची कि आप लोगों के सामने मैं दिखा दूँ इसको बना करके, ताकि आप लोग भी बना करके माता का भोग लगाएं ज़रूर। चलिए इसमें थोड़ा सा घी डालती हूँ, क्योंकि ये घी का ही बना अच्छा होता है, और घी इसमें बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। तो थोड़ा सा घी डालते हैं इसमें। अभी एक दो बार और घी पड़ेगा, जैसे जैसे इसमें घी डालूँगी वैसे वैसे ये अच्छे से फ्राई होगा और मिक्स होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा। देखिए इस तरीके से मिला लेंगे इसको। जब बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगा तो इसको दाना इस जो है ना आपको दिखेगा, उठा करके देखिएगा तो एकदम बिल्कुल फूला फूला सा, और कलर भी चेंज हो जाता है। ब्राउन तो होता ही है, लेकिन साथ में ये कलर भी चेंज हो जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब ये दूध जो है ना जो मिला करके रखी हूँ इस स्टेज पर मैं डालूँगी। इतना दूध से होने वाला नहीं है, क्योंकि और दूध मैं डालूँगी। पहले इसको मिला लूँ। पूरे दूध को एक साथ आप ना डालें, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और इसको मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिलाइए, और देखिए मैं और दूध डाल रही हूँ। पूरे 1/2 kg इसमें दूध डला है पूरा, और चीनी का इस्तेमाल मैं नहीं की हूँ, गुड़ से बना रही हूँ। देखिए इसको इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए माता का भोग लगाना है, 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है, और माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी होती हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। देखिए मैं इस समय अब वही पाउडर देखे हैं ना, वो पाउडर नहीं था, वो कूटा हुआ था, तो आधा इसमें डाल दी हूँ और आधा बचा करके रख ली हूँ। जब इसके ऊपर
डाल करके और चिपका दूंगी ताकि बर्फी बहुत ही अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। माता को भी भोग लगाना है तो उनका भी भोग सुंदर दिखना चाहिए ना। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। और ये देखिए थाली में मैं घी को डाल करके थोड़ा सा लगा दी हूँ, ब्रशिंग कर दी हूँ। और इस बर्फी के मटेरियल में भी मैं घी और डाली हूँ ताकि ये और अच्छा बने। और इस देवी की भुजाएं चार हैं। ये दाई हाथ में, दाई तरफ के हाथ में, ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है इनका हाथों, और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। इनका वर बिल्कुल ही शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। तो चलिए अब इस थाली में इसको सेट करती हूँ, पलट करके देखते जाइए। और ये चमचे से इसको फैला दी हूँ, इसके ऊपर से वही कूटा हुआ बादाम डाल करके फैला दूँगी और चिपका दूँगी इसको। ये चमचे से इसको बैठा दूँगी चारों तरफ से किनारे ऐसे ऐसे दबा दबा करके। और माता कमल के आसन पर विराजमान है इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और इनका वाहन सिंह है। तो देखते जाइए ये चिपक गया इस तरीके से चमचे से किनारे किनारे थाली के। अगर आपके पास बर्फी बनाने वाला ट्रे है तो उसमें भी बना सकते हैं और थाली है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं केवल थाली का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थाली में घी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था तो मैं सोची कि थाली में ही लगा लेती हूँ। तो अब इसको एक घंटे के लिए इसको सेट होने देंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा एक दो पानी के बूंदे भी आ गए हैं, तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल पीस बर्फी की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से कट गया है। आप लोग बना करके बिल्कुल माता को भोग लगा सकते हैं और भजन कीर्तन कर सकते हैं। साथ में आप लोग बिल्कुल स्वच्छ मन से माता का भोग लगाइए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। फिर मैं एक और भोग लेकर के आ रही हूँ माता का। जय माता दी।